नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। अभी सुबह सुबह का टाइम है और इधर ही अपने जो गाजर लगा रखे हैं तो इसके किनारे किनारे पे जगह खाली पड़ी हुई है। इधर गाजर तो लगाई थी लेकिन वो लगी नहीं, वो सारी मतलब जल गई थी किनारे किनारे पे। उसके बाद ये कुछ मतलब मूली के पौधे बचे हुए हैं तो इस खाली जगह को अपन यूज में लेंगे। तो इसके लिए अभी मैं ये क्यारियाँ खोद रहा हूँ और इन क्यारियों में अपन क्या करेंगे, घर के लिए जो पालक वगैरह वो सब लगा देंगे, यानी कि घर का इधर किचन गार्डन बना देंगे। ये इस तरफ की साइड वाली क्यारियाँ तो खोदी जा चुकी हैं, ये देखिए आप लोग। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथों में छाले भी आ जाते हैं। और यहाँ तक मैंने खोद दिया, बाकी थोड़ी सी और बची हुई है, ये शाम को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि अब जो बाकी का अपना काम है, ऑर्डर वगैरह है वो भी संभालने हैं। और ये इस साइड भी जैसे खाली एरिया पड़ा है तो इधर भी खोद देंगे। और बाकी ये जो पाइपलाइन पड़ी हुई है, ये आज इसमें सिंचाई करने वाले गाजर में, तो उसके लिए रखा हुआ है सब। और अभी कुछ मूली वगैरह भी उखाड़ लेते हैं खाने के लिए। और इधर ही अपना डॉगी, हेलो हेलो हेलो, बोल ही नहीं रहा ये तो। और ये देखो इसने कैसी तहनास मचा रखा है। तो इधर से उखाड़ लेते हैं अच्छी सी मूलियाँ देखकर। ये देखो ये ठीक है, ये साइड की तो छोटी मूलियाँ अभी, ये रही ये भी ठीक है। इनके जो पत्ते हैं वो अलग कर लेते हैं अपन, ये पत्ते अब लड्डू मैडम को डाल देंगे अपन। लड्डू ले, अरे इधर ही अपने अनु भाई साहब लगे हुए हैं गायों के लिए जो सूखा चारा जाता है अपना वो भरने में। और ये जो सूखा चारा है वो गेहूं का भूसा है जिसको तूड़ा बोलते हैं। तो जो शाम का जो मतलब चार वारा डालते हैं तो वो अभी कट्टे में भर के रख लेते हैं। और फिर जब शाम का टाइम होता है मिल्किंग के टाइम पर तो वो काम फिर फटाफट हो जाता है, बार बार इधर आके कट्टे नहीं बनने पड़ने, दिन के टाइम में सारे कट्टे भर के और ऐसे रख देते हैं। ये देखिए आप लोग, मजाक की शोभा, मजाक की शोभा। खा ले, नहीं खा रही तू, खा ले। ये गायों के लिए छाछ आ गई अपनी, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं ताकि सबके इसी में आ सके। और आज लस्सी कम ही है, कम इसलिए क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो जिनके घरों में शादी होती है तो वो लोग जैसे रायता वगैरह बनाने के लिए अपने यहाँ से ले जाते हैं। तो आज सिर्फ दो बाल्टी अपने पास छाछ की। ये अपने पास कुछ दो दिन के ऑर्डर इकट्ठे हो रखे हैं, इनकी आज अभी हमने पैकिंग की है और अभी थोड़ी देर में इनको कुरियर वालों के पास लेके जाएंगे, वहाँ पे इनको कुरियर वगैरह करवा देंगे। और ये जो छोटे वाले पार्सल हैं इन सब में तो घी है,
जो छोटे मोटे पार्सल हैं सब में, और बाकी जो बड़े पार्सल हैं ये मैंने पैक कर रखे, इसमें घी है, और इसमें जो स्टील वाली कैन है ये पैक कर रखी मैंने दो, और ये ओडिशा जाने वाले हैं एक मंदिर में वहाँ पे हॉर्न होगा तो उसके लिए जाने वाले हैं, और बाकी इन सब में अचार है। ये जो दो तीन बड़े पार्सल और दिखाई दे रहे हैं तो ये किसी शॉप पे जाने वाले हैं, ये मुंबई से और दिल्ली से ऑर्डर है अपने पास अचार के, तो अभी इनको अपन कट्टे में भर लेंगे और कट्टे में भर के कोरियर वालों के पास लेके जाने वाले अपन। और जो कट्टा ला रखा हमने ये भी डिलीवरी वालों के ला रखा है, ये उनका लोगो लगा हुआ और ये सारा सामान अपन बाइक पे लेके जाने वाले हैं। अभी शाम का टाइम हो रखा है और बाइक पे जाने वाले हैं तो अपना कोट वगैरह ले लेते हैं। और इधर आज अपने फार्म पे सतपाल भाई साहब भी लौट आए हैं, 10 दिन की छुट्टी गए थे सतपाल भाई साहब। और सतपाल जी कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा रहा आपका घर का टूर? बढ़िया है, एकदम बढ़िया, मजा आया। और सतपाल भाई साहब अभी गायों को पानी वानी पिलाने में लगे हुए हैं, उधर अनूप लगा हुआ है जो गोबर वगैरह है उसको उठाने में। और अनूप भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, एकदम मजे में, मजा आ रहा है, बस मजा आना चाहिए बस। और ये अपनी लड्डू मैम, लड्डू जी कैसी हो? मैं लड्डू के पास जा रहा हूँ, इसको गुस्सा आ रहा। अरे मैया तेरे को गुस्सा कैसे आ रहा? ये तो अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते हैं सिटी की तरफ। अपना कोरियर वाला सारा काम हो गया है, जस्ट अभी मैं घर पे आया हूँ, अभी काफ़ी लेट हो रखा है। और अभी थोड़ी देर में गायों को अंदर करने वाले, थोड़ी देर में क्या बस करने वाले हैं। और आज सतपाल भी आ रखा है तो मतलब अनूप का काम थोड़ा हल्का हो गया, वरना सारे काम का प्रोसेसर अनूप पे था। बाकी ऐसा नहीं है कि पूरा काम अनूप को ही करना पड़ता था, हम भी हेल्प करवाते थे। और आज का लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम भाई। और अभी गेट पे गाड़ी आ रखी है क्योंकि एक शादी अटेंड करने जाना है, तो चलते हैं उधर। गेट खोल यार। राम राम भाई साहब, और कैसे हो? राम राम, एकदम बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो अभी एक बंदे को और बिठाना है।